दोस्तों, अगर आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की सोच रहे हैं एंड नहीं जानते कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें सीखने चाहिए, तो इस वीडियो में वही क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आपके यहाँ सर्दियाँ कैसी हो रही है? हमारे यहाँ जो हमारा गाँव है, यहाँ तो बहुत सर्दियाँ हो रही हैं आजकल। इतना कोहरा हो रहा है कि रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और कमेंट में बताओ कैसा मौसम हो रहा है आपके यहाँ। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर जान लेते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद हम जानेंगे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है एंड हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमको सिर्फ 4 या 5 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम इन सॉफ्टवेयर में करते हैं, ये नहीं कि हम पूरा इन्हें सीख ले, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकी, कौन कौन सा टूल क्या क्या काम करता है वो सब पता होना चाहिए। और फिर आपको पता ही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने माइंड से होती है, कोई सॉफ्टवेयर से नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन पे ही फोकस करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने करियर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो जैसे कि आपको पता ही है अडोबी के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। एंड जितनी भी आप कंपनी प्रोफाइल देख लीजिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट जो होती है अडोबी क्रिएटिव क्लाउड, ये साफ साफ लिखा होता है कि आपको ये इन अडोबी के ऐप्स आने चाहिए। तो उनमें कौन कौन से रहते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक होता है अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी इन डिज़ाइन एंड अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये 4 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने होंगे। कोरल ड्रॉ भी है, लेकिन कोरल ड्रॉ ज़्यादा मैं तो यूज़ नहीं करता, अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा कोरल ड्रॉ, क्योंकि उसके बदले में हम अडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम अडोबी के सॉफ्टवेयर सारे यूज़ कर रहे हैं, तो अडोबी इलस्ट्रेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो अब हमने सॉफ्टवेयर तो देख लिए, अब इनका काम देखते हैं हम इनमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा अडोबी फोटोशॉप। तो फोटोशॉप, फोटो का नाम आ गया, यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया होगा, यहाँ पर हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अडोबी फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए नहीं है सिर्फ, इसमें हम अपनी ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, बैनर भी बना सकते हैं, पोस्टर भी बना सकते हैं एंड इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं, आर्ट वर्क भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो इसके टूल्स हैं ना अडोबी फोटोशॉप के, बहुत ही बढ़िया है एंड वेरी ईजी है यूज़ करने में। तो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ फोटोशॉप ही है। प्रोडक्ट बैनर डिज़ाइन एंड बैनर डिज़ाइन फ्लेयर्स सभी मैं इसमें बनाता हूँ, क्योंकि इसमें हम बहुत जल्दी से बना सकते हैं। एंड फोटो, जो हमारा फोटो होता है, प्रोडक्ट होता है, उसमें हम एडिटिंग कई सारी कर सकते हैं, जैसे शेडो बनाना, लाइटनिंग देना एंड कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम बढ़िया से कर सकते हैं इत्मीनान से। एंड अब चलते हैं हम अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। अडोबी इलस्ट्रेटर क्या काम करता है? बेसिकली ये एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ना हम फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते, एंड फोटो एडिटिंग के अलावा हम सब चीज़ इसमें कर सकते हैं, जैसे कोई आर्ट वर्क बनाना हो गया, या बैनर बनाना हो गया, पोस्ट डिज़ाइन हो गई, कवर पेज डिज़ाइन हो गया, कोई कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया, सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। एंड इसमें ना क्वालिटी लूज नहीं होती, इसमें हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं एंड बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, जितनी भी ग्राफिक्स होती है हम इसमें बना सकते हैं। एंड इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें जो इमेज, जो क्वालिटी होती है इमेज की, घटती नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोशॉप में इस तरह के एक पिक्सल होते हैं जहाँ हम जूम करते हैं, लेकिन अडोबी इलस्ट्रेटर में अगर हम कितने ही जूम कर ले, इस तरह के हमारे पिक्सल्स नहीं दिखते। तो इसी की वजह से हम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बना सकते हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर में, और इसके जो टूल्स हैं सभी एक तरह से वेक्टर ग्राफिक्स के लिए बने हैं। इसमें हम फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए हमें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए अडोबी इलस्ट्रेटर। लेकिन जो डिज़ाइनर होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, मोस्टली जो है वो फोटोशॉप यूज़ करते हैं। एंड जो लोगो डिज़ाइनर होते हैं, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं, या बुक डिज़ाइनर होते हैं, या फिर बुक क्रिएशन का वर्क होता है, पब्लिकेशन का वर्क होता है, वो ज़्यादातर अडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अडोबी इन डिज़ाइन। अडोबी इन डिज़ाइन में हम करते हैं पब्लिकेशन के लिए वर्क। तो पब्लिकेशन का मतलब जो हमारे प्रिंट के लिए वर्क होता है, जैसे कि हो गया बुक डिज़ाइन एंड मैगजीन हो गया, और न्यूज़पेपर जो हमारा होता है उसका लेआउट देखना। बेसिकली अडोबी इन डिज़ाइन बिल्कुल तो नहीं, बट हाँ कहीं तक सेम है जैसे हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर है, उसके कई सारे टूल ऐसे हैं जो सेम है। एंड मैंने भी अडोबी इन डिज़ाइन का ज़्यादा नहीं सीखा, बस जो मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर में देखा वो सब मुझे जहाँ तक लगा सेम ही है, तो ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करता। जो हमारी
लाइक बुक होती है उसको हम पहले अडोबी इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, फिर उसको उसके जो पेजेस होते हैं, जो पेज होते हैं वो हम अडोबी इन डिज़ाइन में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेज लेआउट अच्छा होता है। तो बेसिकली हम अपना आर्ट वर्क जो इलस्ट्रेशन होता है हमारा, वो सब पहले हम अडोबी इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, फिर उनको बना के हम अगर हमारी बुक है तो बुक को हम अडोबी इन डिज़ाइन में एक फाइल लेते हैं और वहाँ पर हम रखते जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आफ्टर इफेक्ट्स। अब आफ्टर इफेक्ट्स आपने सोचा होगा ये तो एक VFX का सॉफ्टवेयर है, इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो होता है एनिमेशन, जो ग्राफिक्स का एनिमेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो उसको भी हमें सीखना चाहिए, मोशन ग्राफिक्स जिसे हम कहते हैं। तो ये 2022 चल रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने कहीं ना कहीं एनिमेटेड बैनर देखे होंगे और कुछ ना कुछ एनिमेशन देखी होगी एक सिंपल पोस्ट में, तो उसको हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम अपना एक पोस्ट, अगर हमारी पोस्ट है एक, तो उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में। अब वो फाइल हम ट्रांसफ़र करते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, वही सेम फाइल हम आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाएंगे एंड वहाँ पर थोड़ा बहुत की फ्रेम से खेल कर हम अपना एक पोस्ट तैयार कर लेंगे एनिमेटेड वाला। तो इस एनिमेटेड बैनर एनिमेशन वाले ग्राफिक्स की बहुत ही डिमांड हो रही है आजकल, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता, थोड़ा बहुत बेसिक इसका जान लीजिए की फ्रेम्स के बारे में, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। तो अब हमने जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो तो जान लिए, इनके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हमें फोकस नहीं करना, जैसे कि हो गया हमारा कैनवा या कोरल ड्रॉ या कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, अपना दिमाग ही ख़राब करना है उन पर लगा के। बस जो हमारे मेन सॉफ्टवेयर हैं वो यही है, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी इन डिज़ाइन एंड आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं पोस्ट डिज़ाइन बैनर डिज़ाइन से रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए इस चैनल के एंड यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोज़ पाएंगे जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे कैसे हम पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए या अभी जाके देखिए एंड कुछ ना कुछ बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।